नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के सभी जिलों को मिलेगा नया हॉस्पिटल। जीविका दीदियों की संख्या इतने करोड़ के पार। 16 मार्च को गया आएंगे सभी धर्मों के स्कॉलर। जेईई मेन के सवाल गलत होने पर मिलेंगे पूरे अंक। एमएस धोनी से मिले यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के सभी जिलों को मिलेगा नया हॉस्पिटल। बिहार की स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में लगातार काम कर रही है। बता दें कि इसी कड़ी में सरकारी अस्पतालों में दवाओं की संख्या की भी बढ़ोतरी की गई है। वहीं अब इसके साथ ही बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रदेश के 38 जिलों में 1185 नए अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य विभाग की माने तो 21.75 करोड़ की लागत से प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और 1-1 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण किया जाएगा। राज्य में तैयार होने वाले 1185 अस्पतालों में से 620 अस्पताल ऐसे हैं जिसकी पूरी होने की संभावना इस साल के अंत तक है। वहीं 565 अस्पतालों की भूमि का अधिग्रहण का कार्य अभी चल रहा है। पटना में इफ्को के नाम पर ठगी करने वाले दो साइबर ठग गिरफ्तार। बीते दिन एक बार फिर बिहार की राजधानी पटना पुलिस ने अंतर्राज्य साइबर ठग गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोनों ठगों की पहचान रंजन उर्फ अंकित नवादा के कतरी सराय निवासी और आनंद मुरारी औरंगाबाद निवासी के रूप में की गई है। यह दोनों इफ्को के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर किसानों को प्रलोभन देकर ठगी करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस की गश्ती के दौरान दो संदिग्ध लोगों को देखा गया, जिसके बाद उन्हें भागने के क्रम में धर दबोच लिया गया। हालांकि इनकी जांच करने के बाद इनके पास से पुलिस को दर्जनों डेबिट कार्ड, 5 कीमती मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, ठगी के कुछ अहम दस्तावेज और 1 हुंडई कार बरामद किया गया है। 16 मार्च को गया आएंगे सभी धर्मों के स्कॉलर। एक बार फिर पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर तले गया में विश्व शांति, सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा का पैगाम देने की तैयारी चल रही है। बता दें कि आने वाले 16 से लेकर 19 मार्च तक गया में 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी धर्मों के स्कॉलर शामिल होंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा और भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान जफर इकबाल के सम्मिलित होने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले लोगों की बात करें तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी शामिल हो सकते हैं। जीविका दीदियों की संख्या इतने करोड़ के पार। बिहार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए और उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जीविका की शुरुआत की गई थी। बता दें कि विकास योजना से बिहार की कुल 1.5 करोड़ महिला जुड़ गई है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समाधान यात्रा के दौरान दी। उन्होंने कहा कि जीविका दीदी शानदार काम कर रही है और इस मॉडल ने बड़े पैमाने पर महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया है। यह संतोष की बात है कि राज्य में अब 1.5 करोड़ महिलाएं जीविका योजना से जुड़ी हैं। इससे अब वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार कर सकती हैं। गया से दिल्ली के लिए पैदल रवाना हुई टीम दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की करेगी मांग। बीते दिन गया जिले के गहलोर घाटी से 13 सदस्यीय दल दिल्ली के लिए पैदल रवाना हो गए। बता दें कि 13 सदस्यीय टीम माउंटेन मैन बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने की मांग करने वाले हैं। उनकी इस यात्रा को लेकर हरी झंडी दिखाने के लिए खुद पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी गहलोर घाटी पहुंचे थे और इस पद यात्रा में भाग लेने वाले सदस्यों को टोपी व माला पहनाकर सम्मानित भी किया था और कहा था कि अगर इस पदयात्रा में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इसके लिए हम हर संभव तैयार रहेंगे। इसके अलावा यह पदयात्रा जिस भी राज्य से होकर गुजरेगी उनकी सुरक्षा एवं मदद के लिए उस राज्य के गवर्नर सिक्योरिटी मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर सूचना दी जाएगी। बता दें कि इस यात्रा में जो 13 लोग शामिल हुए हैं उनमें नागेश्वर मांझी, शंकर देवदास, सुरेश जेठू मांझी, उपेंद्र अमेरिका दास, हुलास मांझी, शिवशरण मांझी, विलास नारायण मांझी और सागर कुमार शामिल हैं। दोस्तों के संग दोस्ताना रंग में नजर आए नीतीश। बीते दिन राज्य की राजधानी पटना में एनआईटी पटना के एलुमनाई मीट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए, जहां उन्हें उनके दोस्तों के साथ दोस्ताना रंग में देखा गया। इस दौरान इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनआईटी पटना के निरीक्षक के द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर नीतीश कुमार ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि आज एनआईटी पटना के 50 साल पूरे हुए हैं और पुराने छात्रों को देखकर काफी खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि साल 2004 में उनके प्रयासों से श्रद्धा अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज को एनआईटी में तब्दील किया था। पहले के समय में यहां छात्रों की क्षमता केवल 500 थी, लेकिन आज के समय में यह क्षमता बढ़कर 5000 की हो गई है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी घोषणा की है कि इस वर्ष महिलाओं के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में 1/3 सीटें आरक्षित रखी जाएगी।
मेट्रो से निकाले जाने वाली मिट्टियों से होगा पटना का विकास। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो का काम काफी तेजी से चल रहा है। वहीं अब यह खबर सुनने को मिल रही है कि मेट्रो से निकाले जाने वाली मिट्टी का सदुपयोग राज्य सरकार पटना के विकास कार्यों में करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार इस मिट्टी से गंगा पथ के इर्द गिर्द के क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही इन मिट्टी से कई स्थानों पर स्टेडियम, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, मॉल और पार्किंग स्थल बनाने जाने की भी योजना है। वहीं जानकारी मिल रही है कि इस मिट्टी के दो बड़े स्टेडियम का भी निर्माण किया जा सकता है, जिसमें से एक स्टेडियम क्रिकेट का होगा तो वही दूसरा स्टेडियम फुटबॉल का हो सकता है। मालूम हो कि योजना पथ निर्माण नगर विकास और आवास और पर्यटन विभाग की हो सकती है। जेईई मेन के सवाल गलत होने पर मिलेंगे पूरे अंक। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जेईई मेन प्रथम चरण परीक्षा की समाप्ति के बाद इससे जुड़ी आंसर की को लेकर परीक्षार्थियों से आपत्ति मांगी थी। बता दें कि आपत्ति दर्ज करने की तारीख 14 जनवरी से 1 फरवरी तक निर्धारित की गई थी, जिसको देखते हुए छात्रों के द्वारा विभिन्न पाली के 30 प्रश्नों पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई गई है और साथ ही 12 प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें बोनस अंक के लिए चैलेंज किया गया है। वहीं एनटीए के अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आपत्ति दर्ज किए गए सवालों पर विशेषज्ञ द्वारा दिए जवाब प्राप्त होने के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और अगर इसमें प्रश्न गलत होते हैं तो गलत प्रश्न होने के कारण विद्यार्थियों को उसके लिए 4-4 अंक मिलेंगे। वहीं किसी प्रश्न का आंसर गलत होने पर उसका सही विकल्प दिया जाएगा। बिहार के मदरसों में गड़बड़ी को लेकर शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट। बिहार के 27 जिलों में मदरसों में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा 10 फरवरी तक मुख्यालय से रिपोर्ट मांगी गई है। बता दें कि इस रिपोर्ट में मदरसों में हो रही गड़बड़ी से जुड़ी सारी तमाम चीजें शामिल होंगी। मालूम हो कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो निर्देश डीईओ और डीपीओ को दिया गया है उसमें साफ कहा गया है कि जब तक मदरसों की जांच नहीं हो जाती है तब तक इन्हें दिए जाने वाले अनुदान राशि को स्थगित रखा जाएगा। बता दें कि इसके लिए अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने संबंधित जिलों की कमेटी के साथ बैठक भी थी और कहा था कि जांच में इस बात का भी पता लगाया जाए कि मदरसे सभी मानकों को पूरा करते हैं या नहीं। इस दिन बिहार दौरे पर आएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत और बाबा रामदेव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत और योग गुरु बाबा रामदेव, आचार्य किशोर कुणाल समेत कई प्रमुख लोग जल्द ही बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। बता दें कि तय की गई तारीख के अनुसार उनका बिहार दौरा 10 फरवरी को निर्धारित किया गया है। ये सभी लोग कुप्पा घाट स्थित महर्षि मेही परमहंस महाराज के निवास स्थल का लोकार्पण करेंगे और साथ ही महर्षि मेही पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर भी जारी करेंगे। इसको लेकर अखिल भारतीय संतमंत महासभा व जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार यह कार्यक्रम लगभग 2 घंटे तक चलेगी। वहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में कई भाजपा नेता भी शामिल हो सकते हैं। नीतीश के मंत्री का गाद की समस्या को लेकर बड़ा बयान। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने गोपालपुर के जानवी चौक पर तटबंध के निरीक्षण के दौरान गंगा के गाद को लेकर हो रही परेशानियों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि प्रतिवर्ष गंगा नदी में गाद के कारण लोगों को बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि आज के समय में गाद की समस्या इसलिए गंभीर बन गई है क्योंकि गंगा नदी में फड़क्का बराज पर अधिकांश फाटकों को बंद रखा गया है। इस समस्या को लेकर केंद्र सरकार को कई बार अवगत भी कराया गया है लेकिन फिर भी केंद्र सरकार के द्वारा इससे जुड़ी समस्याओं पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, जबकि केंद्र सरकार को इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि गाद के कारण एक बड़ा भूभाग बाढ़ और कटाव की त्रासदी से जूझ रहा है। सुधाकर सिंह का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। बीते दिन रविवार को पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड के गोड़गावा स्थित झंडा मैदान में आयोजित किसान पंचायत में सुधाकर सिंह के द्वारा एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। इनकी निकम्मी सरकार का ही नतीजा है कि आज बिहार के 4 करोड़ नौजवान रोजगार की तलाश में बिहार को छोड़ दूसरे राज्य पलायन कर गए। इसके साथ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अब बिहार की सत्ता नौजवानों के हाथों में सौंप देनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की सरकार माफियाओं के साथ मिली हुई है और बिहार के अधिकारी ही खाद की तस्करी कर रहे हैं, जिस वजह से लोगों को सही समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है। ललन सिंह का उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना। इन दिनों जेडीयू पार्टी के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा कर उसे कटघरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब उन पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा उन पर आरोप लगाया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के कार्यकर्ताओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें जेडीयू में पूरा सम्मान दिया गया लेकिन अब वे भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुशवाहा जो 2 दिवसीय बैठक आयोजित कर रहे हैं और जिस विषय पर चर्चा करने के लिए कर रहे हैं वह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। उपेंद्र कुशवाहा किस हक की बात कर रहे हैं वह समझ से पड़े हैं। जब भी पार्टी के अंदर उन्हें जब कोई समस्या आई है उन्होंने हमसे कहा है तो हमने उसका निदान जरूर निकाला है। एमएस धोनी से मिले यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल।
इन दिनों भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल के साथ नजर आ रहे हैं। बता दें कि इन दिनों क्रिस गेल क्रिकेट से दूर किसी असाइनमेंट में व्यस्त है। वहीं गेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। मालूम हो कि गेल के द्वारा शेयर की गई इस तस्वीर में दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी नजर आ रही है, जो उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है। बता दें कि गेल ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि लेजेंड्स अमर रहे। अब तक इस तस्वीर को 8 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 116.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, नुसरत बनो, विपिन वर्मा, शंकर मुखिया, राजू कुमार, महमूद अंसारी, मोहम्मद नौशद राजा, प्रिंस कुमार मैश, अनवर करीम खान, सुशी कुमार शर्मा, नुन्नू गोलू कुमार, मुटु रंगीला, अर्जुन राम, भान प्रकाश मौर्य, कविता कुमारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।